ना छोरू जो तावा घरे आवे मारी माँ माना छोरू जो तावा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में पाटीदार समाज की कुलदेवी के मंदिर उमिया धाम में मंदिर के नए भवन की आधारशिला रखने पहुंचे थे। गुजरात में सियासत में पाटीदारों की अहम भूमिका है, लिहाजा उनकी कुलदेवी के कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने संबोधन में सबसे पहले कुलदेवी का जयकारा लगाया। बोल मारी माँ, बोल मारी माँ, बोल मारी माँ, बोल मारी माँ। नरेंद्र मोदी महादेव की नगरी काशी यानी वाराणसी से सांसद चुनने के बाद पीएम बने, लिहाजा इस मौके पर भगवान शिव को काशी के पारंपरिक तरीके से याद किया। आज शिवरात्रि है, हर हर सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि इस देश की आध्यात्मिक व्यवस्था ही सामाजिक चेतना का केंद्र रही है और समाज को मजबूत करने में संतों की भूमिका को कोई भुला नहीं सकता है। इस मौके पर उन्होंने प्रयागराज में हुए कुंभ की चर्चा करते हुए स्वच्छता पर जोर देने की बात कही। कुंभ मेले की चर्चा दुनिया के अखबारों में रही, मेला स्वच्छता को लेकर भी चर्चा में रहा। इसकी प्रेरणा आध्यात्मिक चेतना से प्रकट हुई। 100 साल पहले गांधी जी हरिद्वार के कुंभ में गए थे और चिंता व्यक्त की थी कि कैसे कुंभ को साफ सुथरा रखा जाए। इस मौके पर पीएम मोदी ने योग की बात करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया में योग गुरु बना हुआ है। किसी ने कल्पना की थी कि भारत सारी दुनिया को नाक पकड़कर योग सिखाएगा? आज दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, योग की धूम मची है। क्या योग मोदी ने दिलवाया? ये तो ऋषि मुनियों ने योग दिया था। इस मौके पर पीएम ने युवाओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने पर जोर दिया। मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए शपथ दिलाई कि जो लोग मां उमिया पर विश्वास करते हैं वो कभी कन्या भ्रूण हत्या का समर्थन नहीं करेंगे। पीएम ने अपील की कि ऐसा समाज बनाइए जहां लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मंच पर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।